गाइस वेलकम बैक टू द टेक्निकल तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्टर कीबोर्ड के बारे में। अभी हाल ही कुछ दिनों में इस कीबोर्ड को बहुत सारे बंदे ढूंढ रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट मेरे 2 से 3 सब्सक्राइबर्स भी आकर के मेरे से पूछते हैं कि भाई ये कीबोर्ड का नाम क्या है, जिसमें आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रिंस भी मेरे से आगे पूछा था कि ये कीबोर्ड का क्या नाम है, ठीक है। और भी 2 से 3 लोग पूछे थे कि ये कीबोर्ड का क्या नाम है, लेकिन आज मैंने इस कीबोर्ड को ढूंढा है एंड 2 घंटा बिताने के बाद इसकी सेटिंग सारी निकाल ली है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सेटिंग एंड इस कीबोर्ड का लिंक एंड ये कीबोर्ड है क्या, मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो का बस लिंक लिया और निकल गए, क्योंकि लिंक ले लोगे और निकल जाओगे तो फिर से वापस वीडियो पे ही आओगे, क्योंकि सेटिंग नहीं समझ में आएगी जल्दी, ठीक है। तो वीडियो देखते रहना। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कीबोर्ड किस काम के लिए। ये कीबोर्ड कोई फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। ये कीबोर्ड एक फंड्स कीबोर्ड है जो FB पे कमेंट्स करने के लिए आता है। जैसे आप स्टाइलिश कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके मतलब इस कीबोर्ड में एडिट करके आप इसको हैकर कीबोर्ड जैसा भी बना सकते हो, जो हैकर फंड्स में होता है, जैसे न्यूमेरिक टाइप करने के लिए होता है। या आप उस पर ये भी बना सकते हो, इस कीबोर्ड की जो कीज़ होती है उसको एडिट करके आप उसमें इमोजी भी डाल सकते हो। अगर ये सब सीखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बंदा चैनल पर नया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। देखो गाइस, अब तो वीडियो भी जल्दी जल्दी आ रही है, तो आप भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब एंड शेयर करो, ठीक है। तो वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे जा करके ये ऐप को डाउनलोड करना है। इस कीबोर्ड का नाम है डिज़ाइनर कीबोर्ड, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि मैं आपको फिर से डिलीट करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ये कीबोर्ड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे क्लिक क्लिक करके सब कुछ क्लोज करना है। इधर कुछ ट्यूटोरियल टेक्स्ट आएंगे, उसे हटाना है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्यूटोरियल टेक्स्ट देखोगे तो मेरा क्या काम, ठीक है। इसे सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके हटाना है, ठीक है। अब इधर पे जाना है आपको कीज़ पे। कीज़ पे जाने के बाद इधर आपको, अब इधर आपको एडिटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले सारे जो कीबोर्ड है इसको सिंपल पे स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट करने देना है एंड कैपिटल लेटर्स पे करना है। कैपिटल लेटर्स करने के बाद इधर आपको कोई सा भी अगर की जो एडिट करना है, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे मैं ई एडिट करता हूँ, ई एडिट करने के बाद सबसे पहले आपको एक कैपिटल ई लेटर रहने देना है। उसके बाद एक्शन प्रेस, यानी हम जब इस पर प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ई पे तो क्या क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। इधर जाना है, तो फिर से टोटल कट करना है। इधर जो आउटपुट सिंबल दिख रहा है ये, ठीक है, ये इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करना है, उसके बाद मेन करेक्टर्स पे जा करना है। इधर आपको लेटिन पे जाना है, ठीक है। आपको लेटिन पे सारे जो FB रिएक्ट वाले कीज़ होती ना वो मिल जाएंगी, लेटिन एक्सटेंडेड बी पे। तो इधर जाने के बाद अब आपको ई पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये वाला ई रखना चाहता हूँ, और ये वाला रखने से पहले आपको ये वाला ई हटाना होगा एंड उसके बाद ओके क्लिक करना है। उसके बाद सिंबल पे भी आप क्लिक करना है, ठीक है। आप इधर भी यही ई लगा दो, ठीक है, ये वाला ई। उससे पहले आपको इधर से ये कट करना है एंड इधर ओके करके सेव करना है। इधर भी ओके करके सेव कर लेना है। देखिए ये हमारा ई अब एडिट हो चुका है, ठीक है। अब इसको और एडिट करना है तो आप और भी कर सकते हो। क्या फिर से आपको ई पे करना है क्लिक। अब आपने एक्शन प्रेस, यानी जब आप ई को दबाएंगे तो ई बन के आएगा, ठीक है। अब आप एक्शन होल्ड और एक्शन अप, यानी ई दबा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन के आएगा, ठीक है। इधर ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर सिंबल लेटिन एक्सटेंडेड बी पे रहते हैं, और यहाँ पे कुछ भी बड़ा ई वाला ई ऐड करते हैं, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट पे जाना है, फिर आपको ये वाला ई स्टार्ट करना है, ठीक है। इधर भी ओके पे क्लिक कर देना। तो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आ चुका है वो वाला हमारा ई सेलेक्टेड जो हमने की अभी बनाई है। उसके बाद आप ऐसे ही सारी की एडिट कर सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहते एडिट करना पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ना, इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लेन करते करते कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं जितनी भी सेटिंग्स हो पा रही ना, जितनी मेन सेटिंग है वो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और सेटिंग्स देखनी है या इस कीबोर्ड से रिलेटेड और डाउट है तो आप मेरे इनबॉक्स में आ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, ठीक है, आप वहाँ से आ सकते हैं या FB पे आ सकते हैं। मेरी FB का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एडिट और करके दिखाता हूँ, जैसे टी पे करते हैं, ठीक है। कैपिटल ही रखना है गाइस, ठीक है। उसके बाद एक्शन प्रेस पे फिर से जाना है, इधर सिंबल पे जाना है, इधर लेटिन एक्सटेंडेड बी से ही आप उठा सकते हैं। आपको और कुछ एडिट करना है तो आप वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये वाला टी अभी नहीं, ये वाला
ये वाला टी लेता हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरे को पुराना वाला टी हटाना पड़ेगा, उसके बाद सेव करना, उसके बाद आउटपुट में भी आप तो यहाँ से ये सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसे ही क्योंकि यहाँ पहले मैंने इनपुट में सेव कर दिया तो आउटपुट में वो पहले से आ गया, ठीक है। ओके पे क्लिक करना है, देखिए अब हमारा ये हो गया। उसके बाद एक्शन, एक्शन ऐप पे भी आप कर सकते हैं, एक्शन राइट, एक्शन डाउन, एक्शन लेफ्ट में भी आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ठीक है, अब आपको ये कीबोर्ड को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जाना है सेटिंग्स पे अपने फ़ोन की। सेटिंग्स पे जाने के बाद सर्च बार में लिखना है इनपुट, ये इनपुट असिस्टेंट में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको सारा पहले कीबोर्ड वाला एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे में एक्टिव पड़ा हुआ है क्योंकि मैं पहले से एक्टिव करके रखा हूँ, और एक्टिव करना नहीं आता है तो पुराने कुछ वीडियोस देख लेना। उसके बाद सेलेक्ट करना, करना सेलेक्ट करने के बाद आपको एक डिज़ाइनर कीबोर्ड दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको हल्का सा टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल को कट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट मिनट, ये देखिए हमारा ई यहाँ पे जो हमने की एडिट करी थी और टी जो हमने एडिट करी थी वो यहाँ पे आ गया। देखिए हमने टी ऐसा लिखा हुआ आ गया। अब इसमें आपको इमोजी कैसे एडिट करनी है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें वापस जाना है, ठीक है। अब जैसे वन की जगह अगर आप चाहते हैं वन की जगह इमोजी आ जाए, तो आपको सिंबल पे भी और आउटपुट में भी वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल में ही रखना है, एक्शन प्रेस पे जाना है, ठीक है। सिंबल पे आपको वो वाला इमोजी ला करके पेस्ट करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको इमोजी लाना होगा दूसरा कीबोर्ड सेलेक्ट करके, ठीक है। देखिए मैं कीबोर्ड चेंज करके आता हूँ सेटिंग पे जाके, अभी मैं ठीक है। तो ये मैंने दूसरा कीबोर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे आपको ये इमोजी इधर पेस्ट करना है, ठीक है। ये इमोजी मैंने इधर किया, उसके बाद इसे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से कीबोर्ड पे जाना है, ठीक है। वन पे वापस से वही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद एक्शन प्रेस में वापस जाना है सिंबल पे, इसे हटाना है एंड इधर होल्ड करके पेस्ट करना है इमोजी को, इधर ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। आउटपुट में जब आप इनपुट में ही डालोगे तो आउटपुट में वो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो आउट इनपुट कुछ और दिखे, आउटपुट कुछ और दिखे, तो आप यहाँ पे आउटपुट भी कुछ और सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हमारा इमोजी इधर बन गया, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से टाइप करके दिखा देता हूँ, इमोजी ही जाएगा उधर। ये करंट कीबोर्ड में गए, डिज़ाइनर कीबोर्ड पे गए, और इधर मैं टाइप करूँगा तो देखिए यहाँ पे इमोजी ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सारे एक एक करके प्रीसेट करने हैं, ठीक है। थीके? अगर आप नहीं करना चाहते इतनी देर सर्च करके लैटिन बी में, तो मैं आपको पहले से बने बनाए ये प्रीसेट दे दूंगा, ठीक है। ये वाले ये मेरे पास पड़े हुए हैं ये प्रीसेट, इसे आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। With the things.